फ्रेंड्स, एक वीडियो के वायरल होने का सबसे बड़ा रीजन है आपकी वीडियो की एडिटिंग स्किल। जितना ज्यादा प्रोफेशनल या यूं कहें तो एडवांस लेवल का होगा, उतना ज्यादा आपके वीडियो के वायरल होने का चांस बन जाता है। बट जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि हम प्रोफेशनल तरीके से वीडियो एडिटिंग स्किल कैसे करें या वीडियो एडिटिंग कैसे करें, वो भी एक स्मार्टफोन से। तो अगर आपको नहीं पता है तो आज की वीडियो में यही मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ एक स्मार्टफोन से आप वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चलिए अब बात करें कि आपको वीडियो एडिटिंग करने के लिए कुछ टूल्स या यूं कहें कुछ सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो 90% यूट्यूबर्स को मुझे पता है कि काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग करते हैं, बट बहुत सारे लोग देखते हो कि फिल्मोरा से भी करते हैं, पावर डायरेक्टर से, बट पर्सनली मैं काइन मास्टर से करती हूँ। तो उसमें आपको प्रोफेशनल तरीके से वीडियो एडिटिंग कैसे करना है तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्रिएट नाउ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना और जो भी फॉर्मेट आपको सेलेक्ट कर लेना, मतलब अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो शॉर्ट वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए, लॉन्ग अगर आप शॉर्ट बनाते हो तो 9.16 को सेलेक्ट कीजिएगा और लॉन्ग बनाते हो तो 16.9 को, मैं लॉन्ग बनाती हूँ, और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर फिर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक वीडियो लेनी है, उसके लिए आपको यहाँ पे मीडिया देखने को मिलना है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना। आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी जो गैलरी वाली होगी। अब यहाँ पे आपकी जो भी वीडियो है जहाँ भी वहाँ से आप सिंपली ले लीजिए। तो मैं एक वीडियो यहाँ से ले ले रही हूँ, मान लीजिए ये मेरी वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो को मैंने ले लिया। अब इस वीडियो में आपको दो तरीके से, सबसे पहले देख लीजिए कि अभी मेरी वीडियो किस तरीके से है, एकदम नॉर्मल तरीके से। तो इसको मैं आपके सामने कट करके दिखा दे रही हूँ कि आपके सामने। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले वीडियो पे आपको क्लिक करना है और यहाँ कैची वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे देखें इसके लिखा, इस पर आपको दो हिस्से में, ये वीडियो दो हिस्से में हो गई इसलिए क्योंकि मैं प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगी कि आपकी वीडियो एडवांस लेवल में जब एडिटिंग होती है तो कैसे प्रोफेशनल तरीके से दिखती है। तो अभी मेरी वीडियो कुछ इस तरीके से है, एकदम नॉर्मल, और ये तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल कैसे करना है, वीडियो पर क्लिक करना और नीचे के साइड में आ जाना है। यहाँ पे आप देख लेते हो तो कलर फिल्टर, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है और कोल्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको बहुत सारा फॉर्मेट देखने को मिलेगा बट सारे पे आपको सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ लिखा है C02, इस पर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हो कि सामने ही आपके कैसे आपके सामने एकदम चेंज हो गया। अभी देखिए रियल वीडियो ये है बट फिल्टर लगते ही ये हो गया, लेकिन अगर आपकी वीडियो में ज़्यादा चमक है तो फिर से आप अपनी वीडियो पे क्लिक कीजिए और उसी वाले फिल्टर पे जाइए। यहाँ पे देखिए 100 लेवल दिखा रहा है, इसको आपको कम कर देना है, 70-75, तो मैं 70 कर दे रही हूँ, ठीक है ना, मैंने 70 कर दिया। फिर भी अगर आपके वीडियो की चमक ज़्यादा है तो फिर से आप क्लिक करके नीचे यहाँ देख सकते हो लिखा एडजस्टमेंट, इस पर आपको क्लिक करके अपनी वीडियो के लिए कम चमक ज़्यादा चमक जैसा आप चाहो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है ना। बट मुझे सही लग रहा है तो मैं इस पर छोड़ दे रही हूँ, इतने पे मैंने इस पर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब आप देख सकते हो कि मेरी रियल वीडियो जो है वो कैसी है आपके सामने, जब मैं वीडियो शूट करती तो कुछ इस तरीके से होती, बट इसको जब मैं प्रोफेशनल तरीके से इस पर कलर फिल्टर लगा देती हूँ तो कुछ इस तरीके से। अब ये आगे वाला हिस्से को मैं क्या करती हूँ, डिलीट कर दे रही हूँ, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन है, क्लिक करोगे चला जाएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं अपनी वीडियो की वॉइस को बंद कर देती हूँ। इसके लिए क्या करना है, वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ आपको माइक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसको आप समझ भी लीजिए। अभी देखिए मेरी वीडियो की जो वॉइस है वो 100% है, आप इसको चाहो 200 भी कर सकते हो। अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप 200 कर दो, मान लीजिए आप मोबाइल से वीडियो शूट करके रिकॉर्ड करते हो तो आपकी वॉइस स्लो है तो इसको आप 200 कर दीजिए, क्योंकि जब वीडियो शूट होती है तो 100 रहती है, तो आप इसको 200 कर दीजिए। बट मुझे इसको 0 करना, तो मैंने 0 करके यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। इस तरीके से मेरी वीडियो की वॉइस एकदम म्यूट हो गई। अब मैं मुझे अक्सर आप देखते हो कि मैं अपनी वीडियो में जब कोई बोलती हूँ तो क्लिप लगाती हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो लेयर वाला ऑप्शन है पे क्लिक करना और मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना है। तो आपको एक क्लिप लेनी, जैसे मान लीजिए कोई भी क्लिप आप लगा सकते हो। अक्सर मैं देखती हूँ कि बोलती रहती हूँ जैसे वीडियो ग्रोथिंग के ऊपर, तो ये देख सकते हो कि मैं अक्सर लगाती हूँ जब मैं टेक्स्ट रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। तो इसको आपको कैसे अपने अकॉर्डिंग जैसे छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे आप कैची वाले ऑप्शन, देखिए ये मैंने ले लिया क्लिप, तो इस पे आप कैची वाले ऑप्शन पे भी जाके आगे पीछे ट्रिम कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको वैसे भी छोटा बड़ा कर सकते हो, और इसको चाहो तो आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए छोटे में लगाना है तो यहाँ पे लेफ्ट राइट जहाँ भी आप चाहो सेट कर सकते हो, बट अगर आप चाहो तो बड़ा करना तो बड़ा भी कर सकते हो आप चाहो बड़ा करके। तो अक्सर देखिए जब मैं बोलती रहती हूँ तो मेरे वीडियो के सामने कुछ इस तरीके से, देखिए आपके सामने ऐसे चलता रहता है। तो इस तरीके से आप एक नई अनगिनत क्लिप आप लगा सकते हो। यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे जाओ, जितना चाहो आप अपना अपने अकॉर्डिंग, ये वाली क्लिप मैं अक्सर यूज करती हूँ, इसको कहना क्या चाहते हो, तो इसको भी आप देख लिए लगा सकते हो इसी तरीके से। इसी तरीके से आप जब बोलोगे तो आपके सामने वो चलता रहेगा, देखिए ये
इसी तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद और भी आप हंसी के क्लिप इसी तरीके से आप बार बार यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे जाके लगा सकते हो। इस तरीके से ये आपको क्लिप क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो ये हो गया आपको क्लिप करना। मान लीजिए जैसे ये वीडियो है, मैंने कोई टेक्स्ट लिखना हुआ, कुछ भी लिखना हुआ, सब्सक्राइबर, यूट्यूब, जब भी उस, तो यहाँ पे आपको सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको टेक्स्ट लिख लेना। जैसे मान लीजिए मुझे क्या लिखना है, लाइक, LIKE मतलब लाइक, तो ये मैंने लाइक लिख दिया और यहाँ पे सेम डन कर दिया। अब इसको चाहो तो आप जितना चाहो उतना छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ से इसको फिल्ड क्या कहते हैं, कीवर्ड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे डबल ए लिखा ना, इस पर क्लिक करके आप कीवर्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसको मोटे में बदल कर सकते हो। और इसके लिए कलर भी आप फाइंड कर सकते हो, ये कलर वाले ऑप्शन पे जाके रेड, ब्लू, ब्लैक, आपको जो जैसा आपका दिल कहे उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे रेड करा तो मैंने रेड कर दिया। इस पे आप इंट्रो मतलब इंट्रो भी लगा सकते हो, इंट्रो एमिनेशन। तो देखिए यहाँ पे देखिए इन एमिनेशन, इस पे आप क्लिक करोगे तो देख लीजिए आपको कैसे लाना है पॉपअप करके साइड से। अक्सर देखिए बड़े बड़े क्रिएटर्स इसको लगाते हैं कीवर्ड्स के माध्यम से, देखिए लिखने वाला लेफ्ट से राइट से, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। इसकी स्पीड भी स्लो फास्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला लगाना, तो ये मैंने क्या किया और इसको लगा दिया। आप देख सकते हो इसको, अब मैं चला के आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप जितना चाहो उतना कीवर्ड्स लगा सकते हो। और इस कीवर्ड्स पे आप चाहो तो साउंड का इफेक्ट भी लगा सकते हो, जो आप देखते हो कि मेरी हर एक वीडियो में लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऑडियो वाले सेक्शन पे जाना है और साउंड इफेक्ट आपको पहले से ही डाउनलोड कर लेना है। उसके लिए आपको जिस भी फोल्डर में हो, तो यहाँ पे फोल्डर वाला ऑप्शन है, आपके फोल्डर में जहाँ भी हो तो ले सकते हो। अक्सर देखिए मैं एक्सेवल ये वाला लगाती हूँ, ये ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको लगा के अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। कम ज़्यादा करोगे तो आपका अपने हिसाब से। अब इसको आपको मैं चला के भी दिखा दे रहा हूँ कि जब आप साउंड लगा दूँ तो देखिए ये इस तरीके से आप लगा सकते हो। आप चाहो तो इसमें और भी चीज़ें लगा सकते हो। जैसे आप चाहो अपनी वीडियो को जूम आउट जूम इन करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी वीडियो पे क्लिक करना और कैची वाले ऑप्शन पे पहले यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे ट्रिप करना। इस तरीके से दो पार्ट में आपकी वीडियो हो गई और एक पार्ट आपको फिर से वीडियो पे आपको कट करना है, तो फिर से कर दीजिए। अब मान लीजिए मुझे इस वाली वीडियो में जूम आउट करना है, जूम इन, तो यहाँ पे लिखा है ना जूम, इस पे आपको क्लिक करके इस वाली वीडियो को मान लीजिए मुझे जूम करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए और यहाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आपको क्या करना है, जूम कर देना। ये देखिए अब मैं आपको चला के भी इस वीडियो को क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ कि देखिए अभी मेरी वीडियो नॉर्मल है और जब चलेगा तो देखिए ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप चाहो कि तो अपनी वीडियो को एक और पार्ट करके कट करके कैची वाले ऑप्शन पे इसको जूम आउट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे फिर जाइए और सिंपली इस वाले पार्ट में कीजिएगा तो आपका यह लास्ट करके जूम इन जूम आउट हो जाए। अब आपको मैं फिर से चला के दिखा दे रहा हूँ कि आप इसको कैसे जूम इन जूम आउट, देखिए अभी जूम आउट हो रहा है, अभी ये जूम इन ही हो जाए, अभी ये ऊपर की तरफ आएगा। इस तरीके से आप अपनी वीडियो को जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो आप अपनी वीडियो के जैसे मैं लोगो लगा देती हूँ, तो आप भी लेयर वाले ऑप्शन पे जाकर सिंपली अपनी वीडियो के लिए लोगो ले सकते हो, जो भी आपका लोगो हो, जहाँ भी हो, जिस भी फोल्डर में आप लोगो देख सकते हो कि मेरा फोल्डर में, इस फोल्डर में मेरा लोगो है, ये देखिए मेरा लोगो है, तो ये मेरा लोगो है। इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे कोने पे अक्सर देखते हो कि मेरी वीडियो में लोगो लगा रहता है, तो आप चाहो तो पूरी वीडियो में लगा सकते हो। पूरी वीडियो में लगाने के लिए इसको पूरा ऐसे खींच के आपको कर देना है इस तरीके से। तो ये मेरी वीडियो का पूरा लोगो आप देख लीजिए कि लग गया, ठीक है ना। इसकी आवाज़ भी मैं बंद कर दे रही हूँ, ये पूरा लोगो लग गया, आप देख सकते हो कि लोगो लग गया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगानी है, तो अक्सर आप देख सकते हो कि मैं वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाती हूँ, तो उसके लिए सिंपली आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहले कर लेना और उसके बाद ये लेयर वाले ऑप्शन पे जाना, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा, देखिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लेना। मान लीजिए मुझे ये वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेनी है, ये इस एप्लीकेशन का मैंने रिव्यू किया था, तो मान लीजिए ये वाली स्क्रीन रिकॉर्ड, तो जितना आपको चाहिए उतने भाग में आप इसको बड़ा जूम नहीं, इसको आपको अपने अकॉर्डिंग जूम इन जूम आउट कर देना, ठीक है ना। ये मान लीजिए लगा दिया और इसकी वॉइस आपको बंद करने के लिए यहाँ पे सेम माइक वाले ऑप्शन पे जाइएगा, इसको जीरो कर दीजिएगा। और मान लीजिए मुझे इतने हिस्से में इसकी रिकॉर्डिंग दिखाना है, तो सिंपली इसको आपको क्या करना है, कट कर देना है। और यहाँ आप चाहो तो पीछे भी वाले आपके भाग में दिखा सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के आप जितना चाहो छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बड़ा आपको पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, मैं बोलती रहती हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलता रहता है, जैसे देख लीजिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में चलता रहेगा। इस तरीके से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा सकते हो। अब मान लीजिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें लगानी, जैसे एमिनेशन आप देखते हो कि अक्सर वीडियो में लाइक सब्सक्राइब का लगाती हूँ, तो उसके लिए आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जहाँ भी आपका एमिनेशन हो, मान लीजिए देखिए ये लाइक वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, तो देखिए ये लाइक वाला ऑप्शन। अभी आपको ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करना है, तो इसको सिंपली क्या करना, नीचे आना है और यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ ये क्रोमा की, सिंपली इसको आपको क्या करना है, ये ऑन कर देना। जैसे आप ऑन कर दोगे तो आपका ये क्रोमा की के माध्यम से आपका ये हट जाएगा और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा करके जूम इन जूम आउट करके जहाँ भी चाहो आप वहाँ लगा सकते हो। और लगा के आप चला कर देख सकते हो और इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग जितना छोटा बड़ा चाहो उतना हिसाब से
कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए अभी आप मैं चला दूँ तो कि आपके सामने आ गया, लाइक सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी इंस्टाग्राम का चाहो तो आप इंस्टाग्राम के सेम वही लेयर वाले ऑप्शन पे जाके आपका जहाँ भी हो आप इंस्टाग्राम का भी लगा सकते हो, ये सेम प्रोसेस इंस्टाग्राम का भी लगा सकते हो। क्रोमा की के माध्यम से आप ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए आप ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके आप इसको लगा सकते हो। इस तरीके से आप अपनी वीडियो को, आप अगर चाहो कि आपकी वीडियो में वॉइस कहीं कट गई है तो आप अपने वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ लिखा REC, जैसे क्लिक करोगे आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। देखिए वॉइस रिकॉर्डिंग चालू हो गई, जैसे स्टार्ट करोगे आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी। ये देखिए आपकी वॉइस चालू हो गई, ये आपकी रिकॉर्डिंग चालू होगी। मैं आपको सुना भी देती हूँ कि आप सुन लीजिए जो भी मैंने बोला है, सुन लीजिए। आपकी वॉइस चालू हो गई, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो कि किसी भी कोई चीज़ सीन दिखा रहे हो आपको ब्लर करना है तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ नीचे लिखा है ना मतलब हैंडराइटिंग, इस पर आपको क्या करना है क्लिक करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ रेड कलर है तो यहाँ पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाकर ये बंद बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस भी हिस्से को चाहोगे तो आप कलर कर सकते हो। देखिए अभी ये रेड है, आप चाहो तो इसको वाइट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। वाइट कर दोगे इसको, इसको डिलीट करके यहाँ से देखिए डिलीट कर दे रही हूँ और फिर से मैं जाके अभी मैंने वाइट कर दिया। आप चाहोगे तो आपको यहाँ से आप अपने ले सकते हो, देखिए इसको कर सकते हो। इस तरीके से आप जितना हिस्से में चाहोगे आप इसको लगा सकते हो, कम ज़्यादा जूम कर सकते हो, या आपको नहीं लगाना तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको कोई इफेक्ट लगाना है तो सिंपली यहाँ से इफेक्ट भी ले सकते हो। देखिए आपको जो भी इफेक्ट, अलग अलग इफेक्ट रहता है, और अगर आपको ये इफेक्ट नहीं पसंद है तो सिंपली इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपका नेट है, ठीक है ना। तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर आपको मान लीजिए इस वाले हिस्से में देखिए अक्सर इफेक्ट लगाते हैं तो इस वाले प्लस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको काइनमास्टर पे अलग अलग इफेक्ट मिल जाता है। तो अक्सर मैं देखिए ये वाले इफेक्ट मैं अपनी वीडियो में लगाती हूँ। ये देखिए मैं अभी अपनी ये वाले इफेक्ट अपनी वीडियो में लगा कर छा, देखिए ये देखिए ये वाले इफेक्ट लगा कर दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप और भी चीज़ें कर सकते हो। मान लीजिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ भी आप देख सकते हो टैटूज भी आप लगा सकते हो कि अलग अलग आपको टैटू मिल जाता है, स्टिकर जिसको बोलते हैं, तो आप स्टिकर भी लगा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख लीजिए जो तीर का आकर्षण है। आपको बहुत लंबी वीडियो मान लीजिए 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ देखिए अगर एंड पे करना है तो एंड पे चले जाओगे। मान लीजिए आपको शुरू में करना है यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आ सकते हो, बीच वाले ऑप्शन पे, फिर आपको यहाँ पे एंड शुरुआत पे आ जाओगे। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को शुरू के एंड के लास्ट हिस्से में भी ले जा सकते हो इससे। और मान लीजिए आपको पूरी वीडियो को चेक करना है तो इस पर क्लिक करोगे तो सारा हिस्सा आपका ऊपर होकर क्या 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 चीज़ें आपने लगाई अपने वीडियो में उसको पूरे हिस्से को आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसको यहाँ पे कट कर सकते हो, पीछे कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी वीडियो को पूरा एडवांस लेवल में एडिटिंग कर सकते हो, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया। और भी आप चीज़ें इसमें लगा सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको अपनी वीडियो में लगाना है, ये देखिए स्पीड बढ़ानी है अपनी वीडियो की, देखिए स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है तो स्पीड भी आप बढ़ा सकते हो। ये स्लो एंड फास्ट, एकदम स्लो में कर सकते हो, एकदम फास्ट में कर सकते हो। आप चाहोगे तो स्लो भी हो जाएगा, आप चाहोगे तो फास्ट भी हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्लो या फास्ट कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्लो फास्ट कर सकते हो, फास्ट करोगे तो फास्ट हो जाएगा, स्लो करोगे तो स्लो हो जाएगा, स्लो कर दिया तो स्लो। बट मुझे स्लो नहीं करना, मुझे अपने हिसाब से जहाँ पे रहेगा उसी हिसाब से आपको अपने हिसाब से इसको कर लेना है। तो ये एक नंबर पर था, मैंने इसको एक नंबर पर कर दिया, ठीक है ना। या मान लीजिए दो नंबर पर करना, दो नंबर पर करके इसके स्पीड जो भी स्पीड थी मैंने वो इसी स्पीड में इसको कर दिया। इस तरीके से आप अपनी पूरी वीडियो को एडिटिंग करके आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये जैसे बाहर चला गया मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसको अंदर कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। अब आपको मैं सामने अपनी वीडियो को पूरी चला के दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने लगाई है, देख लीजिए। ये देखिए ये भी एमिनेशन आ गया, उसके बाद देखिए ये लाइक वाली बटन भी आ गई, फिर देख लीजिए आप जूम आउट देख लीजिए, सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने लगाई थी, लाइक जूम इन जूम आउट, आपकी वॉइस चालू हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से आप पूरी वीडियो को अपने एडिट कर सकते हो या स्किल या एडिटिंग कर सकते हो, जो भी आपको चाहो तो फुल एडिटिंग कर सकते हो अपने अपने वीडियो को एडिटिंग करके। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर सिंपली तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर आप देख सकते हो कि MP4 में भी मैं कर सकती हूँ, 4K में कर सकती हूँ, या HD क्वालिटी में कर सकती हूँ। फिर आपको देख लीजिए FHD क्वालिटी में मतलब 1080 में कर सकती हूँ, उसके बाद चाहो आपको HD 720p कर सकती हूँ, तो मैं 720p करती हूँ और आप अपनी वीडियो को मतलब जो है एक्सपोर्ट भी कर। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक्सपोज करके अपनी वीडियो को इस तरीके से एक्सपोज कर देना, देखिए आपकी वीडियो पूरा एकदम से एडिट होकर एक्सपोज हो रही है। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को एडवांस लेवल में एडिटिंग करके अपलोड करके अपनी वीडियो को वायरल करा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो चैनल पे पहली बार आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी TechKaishorya23 जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।